कुल्लू सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर लगातार दूसरे दिन भी कुल्लू एसपी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे। सुंदर ठाकुर ने पुलिस विभाग को 48 घंटों का अल्टीमेट देते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनके होटल के सामने धरना दिया है और हंगामा किया है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसा ना होने पर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कुल्लू कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कुल्लू से मिले। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल के बाहर हुए भाजपा के प्रदर्शन मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं कुल्लू सदर विधायक सुंदर सिंह ने पुलिस को सोमवार 11 बजे तक का समय दिया है। विधायक का कहना है कि अगर इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर की गई एफआईआर को वापस नहीं लिया गया तो वे एसपी का घेराव करेंगे और पूरे हिमाचल में इसे एक जन आंदोलन के रूप में चलाएंगे। विधायक ने पुलिस व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि समय से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। विधानसभा के दौरान मुझे जो क्लिपिंग्स भेजी गई थी या जो मुझे बताया गया था, उससे हम थोड़ा इस छानबीन में व्यक्तिगत तौर पे भी आगे ऐसे बढ़े कि मुझे पता चला कि यहाँ पे जो पार्टी का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, जो भारतीय जनता पार्टी का था, और लोग डिस्पर्स हो चुके थे। लेकिन एक नेता ने, जो कि पूर्व में यहाँ पे जो यहाँ पे हारे नकारे आज के दिन में है, विधायक पहले रहे हैं और पूर्व में सांसद भी रहे हैं, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत एक मंशा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को गुमराह किया और उन्हें लेकर वो मेरे परिसर में पहुंचे। लेकिन बात ये है कि जब मैंने पुलिस अधीक्षक को ये बात इस घटना से पूर्व बता दी थी, तो मैंने जो पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपने पूरा पुलिस बल वहाँ लगा रखा था या नहीं लगा रखा था, क्योंकि आपके दीवार से दीवार इस कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स की मिलती है। तो मुझे बताया गया कि हमने वहाँ पे प्रशासन का बल लगा रखा था। मैंने कहा अगर उन्होंने प्रशासन के बल को फोर्सफुली धक्का देकर अगर वो अंदर घुसे तो पहली कार्रवाई तो आपकी स्टेट की तरफ से जो उन व्यक्तियों पे बनती थी वो कार्रवाई भी आपने की नहीं। पहले तो ड्यूटी नहीं की, दूसरी आपने कार्रवाई की नहीं। फिर जब वो बड़े कहने पर वहाँ पे जो मैन हैंडलिंग उस नेता द्वारा उस गेट को तोड़ा गया, व्यक्तिगत मेरे पास पूछ के आपके पास वीडियोज है जिसमें उसने मेरे स्टाफ को धक्का दिया, मेरे बेटे को वहाँ पे धक्का दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद जब उन्होंने वो एफआईआर की तो बड़ा आनाकानी करते हुए जब हमने वहाँ पे मेरे साथी विधायकों ने विधानसभा में दबाव डाला तो मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे, मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने तुरंत ही एसपी को फोन किया और उसके बाद वो ट्रेसपास, जो क्रिमिनल ट्रेसपास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का वो केस उन पे दायर हुआ। 48 घंटे हमने वक्त दिया था, पहले भी 48 घंटे हो गए, हमारे लोगों के खिलाफ अपना केस वापस कीजिए, ये झूठा केस हमारे लोगों के खिलाफ वापस कीजिए, और जो लोग मेरे परिसर में घुसकर मेरे स्टाफ और मेरे परिवार के साथ बदसलूकी की है, ये उसके लिए आप उन पे कार्रवाई कीजिए, ये हम या तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए या आप हमें गिरफ्तार कीजिए, आपको एक्शन लेना होगा, आपको लोगों को जवाब देना होगा, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। वहीं कुल्लू जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने बताया कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और कांग्रेस भी कंगना के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का इस तरह से किसी निजी भूमि में नारे लगाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए गुड़िया कांड के दौरान भी भाजपा ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि आज भी गुड़िया के माता पिता गुड़िया को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, हम भी उसके साथ हैं, परंतु कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाना, बीजेपी ने जिस तरह से इस कंगना रनौत के केस में कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश की, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कंगना रनौत का अगर कार्यालय बॉम्बे में टूटा है वो किसने तोड़ा, वो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ा है, और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसकी है, बीजेपी और शिवसेना की है। इनको नारे तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री था फडणवीस, जिसने जिसके टाइम में वो कॉरपोरेशन बनी, उसके खिलाफ नारे लगाने चाहिए थे, इनको नारे लगाने चाहिए थे जेपी नड्डा के खिलाफ, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्यों नहीं वहाँ पर उस बीएमसी से ये समर्थन वापस लेते हैं। तो देश के लोगों को इस कोरोना महामारी के दौरान पिछले 6 महीनों में पूरे देश के
प्रदेश के क्या हालात हुए हैं ये आप लोगों के सामने है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।